नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट लाइव के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और मार्केट लाइव में आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। यहां पे आज हम यहां पे चर्चा करेंगे सोयाबीन के ऊपर, उसी सोयाबीन के ऊपर जिसके ऊपर मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से एक महीने पहले एक इंटरव्यू दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि सोयाबीन की कीमतों में तेजी आने वाली है। और वो इंटरव्यू था अश्रुमणि गुरु कर्नल अजय जी का। उसमें उन्होंने यह बताया था कि जो सोयाबीन अक्टूबर के महीने में, अब जो सोयाबीन अक्टूबर के महीने में 4000, 3000, 2500 इन्हीं निचले स्तर पर कारोबार करता नजर आया था और हाजिर बाजार में भी काफी कम कीमतें देखने को मिली थी, उसके बाद सोयाबीन की कीमतों में तेजी आएगी। ये विशेष रिपोर्ट, ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट अश्रुमणि गुरु कर्नल अजय जी ने दी थी। और ये जो उनका इंटरव्यू था वो उन्होंने 11 अक्टूबर 2021 को दिया था। और आज हम देख रहे हैं कि आज 16 नवंबर 2021 है, लगभग एक महीना बीत चुका है उस बात को, और हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में काफी शानदार तेजी बनती नजर आ चुकी है। चाहे वायदा की बात करें या फिर हाजिर मंडियों की, दोनों की कीमतों में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुका है सोयाबीन में। तो अब आगे सोयाबीन का बाजार कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं अश्रुमणि गुरु से। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सुप्रभात मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं और अखिलेश राठी जी, आपके चैनल पर निश्चित रूप से सभी किसान बंधुओं को और व्यापारी बंधुओं को बहुत फायदा होता है, क्योंकि अग्रिम विश्लेषण और सच्ची बात कहने का साहस संभव है इसी चैनल पर मिलता है। आपको याद होगा लगभग एक सवा महीने पहले एक विशेष शो किया था हमने तिलहन के ऊपर, विशेषकर सोयाबीन, और उस शो के अंदर हमने 3-4 बिंदुओं पे अपनी बात कहने का पुरजोर कोशिश की थी। उसमें एक यह था कि जब फसल का समय आता है तो उस समय लगभग सभी व्यापारिक एसोसिएशन और बाकी संस्थाएं अपने रिकॉर्ड, अपने डाटा निर्धारित करती है और उसको सार्वजनिक रूप से पेश किया जाता है। इस साल यदि आपने ध्यान दिया हो तो कुछ व्यापार एसोसिएशन के जरिए 119 लाख टन सोयाबीन के उत्पादन की बात की गई थी और फसल बहुत अच्छी रहने की बात की गई थी और उत्पादन अधिक होने की बात कही थी। उस वक्त भी हमने एक सवाल उठाया था कि 119 लाख टन जो सोयाबीन का जो उत्पादन है उसके साथ साथ में खपत के आंकड़े भी सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए जाने चाहिए, बात की जानी चाहिए, उसके बाद ही कोई तेजी मंदी की बात की जानी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद होगा, उस शो में हमने बिल्कुल पुरजोर शब्दों में किसानों के और छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए बात की थी कि जब फसल का समय आता है अनेक पाबंदियां लग जाती हैं, इंपोर्ट ड्यूटी में कमी आ जाती है और इससे किसानों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है और फसल के दाम बेताशा नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है कि कंज्यूमर्स को यानी आम उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर खाद्य तेलों की उपलब्धता होना बहुत जरूरी है और इसकी तेजी पर लगाम लगाया जाना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन एक ये बड़ा प्रश्न हमने उठाया था, एक बार फिर किसान भाई और व्यापारी बंधुओं के जहन में मैं लाना चाहता हूँ कि यदि सोयाबीन की फसलों के अंदर या उच्चतम भाव से जब 40-45% के भाव गिर जाते हैं तो उतनी ही मात्रा में खाद्य तेलों के दाम भी गिरने चाहिए। और जब तिलहन के ऊपर और दलहन के ऊपर स्टॉक लिमिट जैसी बात करते हैं हम, उनके ऊपर लिमिट की बात की जाती है, उनके ऊपर नजर रखी जाती है, लेकिन खाद्य तेल जो एंड प्रोडक्ट है उनकी तेजी और उनकी मंदी के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। जो कंपनियां अपने खाद्य तेल बेच रही हैं उनकी MRP का डिसीजन तेजी और मंदी के लिए मेरी सजेशन यही था कि उनके ऊपर भी रोक लगाई जानी चाहिए। किसान जब 9000 का सोयाबीन 5000 से नीचे बेच रहा है तो खाद्य तेलों में भी लगभग 30-40% की कमी आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही है और ये एक चिंताजनक विषय है। और जो सरकार का जो उठाए गए कदम है उन कदमों को पर भी पूरा फायदा आम जनता को नहीं मिलता है। अतः खाद्य तेलों में की जो दरें हैं वो खाद्य फसलों के आधार पर ही निर्धारित होनी चाहिए, यदि तेज हो रही है तो तेज। और अक्सर ये होता है कि जब खाद्य तेलों के दाम बढ़ जाते हैं जरा सा भी यदि तिलहन पे रेट बढ़ते हैं, लेकिन जब
तिलहनों पर रेट गिरते हैं तो वो गिरावट की बात बहुत मामूली होती है और अक्सर नहीं होती है, तो ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसके अतिरिक्त अखिलेश जी, आपको याद होगा कि जब सोयाबीन 50 के अंदर जब हमने शो किया था उसके बाद यही पुरजोर शब्दों में हमने कहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम आपको ये पुरजोर शब्दों से वकालत करते हुए कहा था, मजबूती से कहा था, बार बार कहा था कि इन दामों के अंदर सोयाबीन का फसलों का जो माल बिक रहा है वो लागत से किसान को नहीं उसकी लागत मिल रही होगी, किसान और छोटे व्यापारियों को बड़ी परेशानी होगी और यदि किसी की हिम्मत है, ताकत है तो इसको रोक के चल सकता है। आने वाले समय के अंदर वाजिब दाम मिलने की पूरी पूरी संकेत और सावधानी है। लगभग एक सवा महीने के अंदर सोयाबीन के अंदर लगभग 20% की तेजी दर्ज हो गई है, जो 5000 से और उससे नीचे का भाव सोयाबीन का अलग अलग इलाकों में था, आज वो 6000 क्रॉस कर गया है। तो यही मेरा आपको आपसे कहना है कि आप अपने फसलों को सही मूल्य आपको मिले, इसके लिए आपका संगठित होना और अच्छे चैनल पे सही सटीक विश्लेषण करने वाले जो भी विशेषज्ञ हैं उनको साधुवाद कहना चाहिए। और मैं अखिलेश जी आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप बहुत लगातार और पुरजोर शब्दों से किसानों को और मंडी के व्यापारियों की आवाज आप बुलंद करते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। कर्नलजी, पाबंदी खाद्य तेलों में तेज, कर्नलजी जी आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, चलनी चाहिए। यदि खाद्य तेलों पे यदि पाबंदी है तो तिलहन पे भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, और तिलहन के दाम घटते हैं तो खाद्य तेलों में भी बढ़ती चाहिए। और जो डाटा, जो भी आंकड़े जब जो भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए उनकी ऑथेंटिकेशन, उनकी वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। और अक्सर देखा जाता है कि जो आंकड़े फसल के टाइम आते हैं, चाहे वो कॉटन के हों, चाहे सोयाबीन के हों, चाहे मस्टर्ड यानी सरसों के हों, वो आंकड़ों के आधार पर वो चीजें नहीं होती है। और मौसम के ऊपर भी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने भी साउथ वेस्ट मानसून की बिल्कुल गलत भविष्यवाणी की थी, जबकि हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से लगातार चेतावनी दी थी कि अक्टूबर महीने के अंदर बरसात जारी रहेगी, सितंबर महीने में अधिक बरसात होगी जबकि जुलाई अगस्त में कम बरसात होगी, ऐसे ही कुछ हुआ। यदि समय पर यदि मौसम विभाग अपनी अलर्ट दे दे तो किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि सितंबर मंथ की तेज बरसात से सोयाबीन और कॉटन के अंदर जबरदस्त नुकसान हुआ, उसका आकलन संभवतः नहीं लगा, और जो आंकड़े बारिश से पहले थे वही आंकड़े पब्लिश हो गए, तो ये सब एक भ्रम की स्थिति। मैं मार्केट टाइम्स के दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के साथ साथ आप ग्राउंड स्थिति भी देख लें, वस्तुत स्थिति भी देख लें तो बेहतर होगा। आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कि सोयाबीन और तिलहन पर मजबूती की संभावना अधिक रहेगी, सरसों में भी धीरे धीरे मजबूती बनेगी, चने के ऊपर भी आपको याद होगा जब एनसीडीएक्स के ऊपर चने का वायदा हटाया गया था, दलहन के ऊपर लगातार स्टॉक लिमिट की बात की गई थी और बड़े कड़े निर्णय लिए गए थे दलहन पर की तेजी को रोकने के लिए, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि 4042 का चना जो था 4400 का चना इसको शांति से आप रख लें तो आपको निश्चित रूप से फायदे होने की पूरी पूरी संभावना है, चने के अंदर भी आपके सामने मौजूद है। इसी के साथ में प्याज का भी एक हमारा शो अखिलेश जी के साथ हमने किया था, जब प्याज लगभग 400-500 रुपए क्विंटल 600 रुपए क्विंटल चल रहा था और बुरी तरह बहुत फसल बढ़िया की चारों तरफ से खबरें आ रही थी, तब भी हमने यही कहा था कि अभी इसको रोक लो। यदि आप पूछते हैं कि मुझे आगे लगता है कि अक्टूबर महीने के अंदर तेजी आएगी और वो जो 500-700 रुपए क्विंटल का जो प्याज था वो बेहताशा लगभग 4 से 5 गुना दामों में बिका। तो दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का ये चमत्कार, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का ये विश्लेषण, ये मेरी और आपकी जीत नहीं है, ये हमारी ऋषि मुनियों की जीत है जिन्होंने सदियों से इस चीज का ज्ञान और विज्ञान के जरिए अग्रिम अनुमान लगाने की विद्या विकसित की थी, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार हमले और हमारी ज्ञान विज्ञान को लगातार नष्ट करने की जो साजिश सदियों से रही वो ये विद्याएं धीरे धीरे लुप्त होती गई। पिछले लगभग 20 से 25 सालों से हम लगातार इस विद्या को सहेजने का काम कर रहे हैं, इसमें रिसर्च अनुसंधान का प्रयास कर रहे हैं और लगातार हम आपको विभिन्न टीवी चैनल्स और चैनल्स के जरिए आपको इस विद्या की ताकत का परिचय करा रहे हैं। यदि आप भारत को विश्वगुरु दोबारा बनाना चाहते हैं,
भारत की परचम हमेशा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन प्रोग्राम्स को आप लाइक करें और पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर फॉरवर्ड करें। ये सेवा आपको, आप भारतीय संस्कृति की करोगे, किसान भाइयों की करोगे, और जो छोटे मझोले व्यापारी हैं जो बड़ी नहीं कर सकते हैं उनके लिए भी ये बहुत माफिक हो, अच्छा हो, समय पे विश्लेषण मिले, ऐसी मेरी भावना है। अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसे कि कर्नल अजय जी ने बताया कि सोयाबीन का जो बाजार है उसके साथ जो खाद्य तेलों का जो बाजार है वो आगे तेज ही रहने वाला है। उन्होंने यही भविष्यवाणी 11 अक्टूबर 2021 को भी की थी सोयाबीन के ऊपर, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया था कि सोयाबीन की कीमतों में आगे तेजी ही रहने वाली है। उसकी भी झलक आपको अब दिखाई देते हैं के माध्यम से एक बड़ा खुलासा, एक अनुसंधान, एक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता हूं। अब क्या ऐसा सही होने वाला है सोयाबीन के अंदर? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को आज 11 अक्टूबर सन 2021 को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कहना चाहता हूं, नवंबर और दिसंबर 2021 के अंदर खाद्य तेलों के अंदर तेजी की पूरी पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास खाद्य तेलों के अंदर तेजी बनेगी, तेजी बनने की पूरी पूरी संभावना है। तो जैसे कि हमने पहले वाले कर्नल अजय जी के इंटरव्यू में भी देखा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि नवंबर दिसंबर जनवरी इन 3-4 महीनों में खाद्य तेलों के जो दाम है, तेल तिलहन के जो दाम है, उनमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, नुकसान की कोई आशंका नहीं है। और ठीक वैसा ही रुझान अब हम देख पा रहे हैं सोयाबीन की कीमतों के अंदर। अक्टूबर में जो सोयाबीन एमएसपी से भी नीचे लुढ़क चुकी थी, वही सोयाबीन अब एनसीडीएक्स पर वायदा में 6,000 के पार जा चुकी है और मंडियों में भी लगभग इसी के आसपास का रेट देखने को मिल रहा है। तो कर्नल अजय जी का पहले भी यही कहना था कि सोयाबीन में तेजी रह सकती है और अभी भी उनका यही कहना है कि सोयाबीन की कीमतों में जो तेजी है वो आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आशा करते हैं आपको हमारी खास पेशकश सोयाबीन के ऊपर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ विचार साझा करने चाह रहे हैं हमारे साथ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।